everyone, myself Namrata Satya and I welcome you all at YTH India, Get Success With Us. आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश स्पेशल के सीरीज में। आज हम उत्तर प्रदेश की जलवायु का पार्ट टू कंप्लीट करेंगे। पार्ट वन में हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु देखी थी, उसका वर्गीकरण जलवायु का वर्गीकरण देखा था प्रोफेसर स्टॉन और डॉक्टर काजी सैयद अहमद के द्वारा। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण दो भागों में किया गया था, जिसका आधार औसत वार्षिक थी। पहला भाग था, अगर जलवायु को वर्गीकरण देखें, जल्दी से पुरानी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, तो डॉक्टर काजी सैयद अहमद और डॉक्टर प्रोफेसर स्टॉन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण किया गया था दो भागों में। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, इसको वार्षिक औसत तापमान बरसात में यहाँ पे 120 से 150 के मध्य और इस पर था औसत वार्षिक वर्षा 65 से 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे 120 से 150, इसको दो भाग में वर्गीकृत किया गया था। फिर से पहला था तराई क्षेत्र और दूसरा था पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश, अब हमने 65 से 100 वार्षिक सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा को तीन भागों में विभाजित किया था। इसको हमने तीन वर्गों में विभाजित करके पढ़ा था। पहला था मध्यवर्ती मैदान, पश्चिमी मैदान और थर्ड था हमारा बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका छोटा सा रिवीजन है कि जलवायु का वर्गीकरण दो भागों में किया गया था वर्षा के आधार पर। यहाँ पर 120 से 150 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र को हमने दो भागों में विभाजित किया, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। जिस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 65 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर है होती है, उसको हमने मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र और बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं उसके बारे में जाना था। आज की क्लास पुरानी क्लास को कंप्लीट करने के लिए है, इसलिए ये थोड़ी छोटी रहेगी। आज की इस क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मॉडल क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें इस टॉपिक से आ सकते हैं, और दूसरा टॉपिक क्लास कराएगा कि वर्षा, जलवायु, वर्षा जलवायु, भूभाग, भू
व्यक्ति की विशेषता के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश कितने के उत्तर प्रदेश में उसके बारे में सब टॉपिक टू के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे किस टाइप की मॉडल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर वन बन सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी है एग्जामिनेशन में आने की वह है कि राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। पहला क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है। इस टॉपिक से जो मॉडल क्वेश्चन टू बन सकता है या फ्रेम हो सकता है वह है कि उत्तर प्रदेश में सीता और ग्रीष्म काल में कैसी वर्षा होती है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। कैसी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है या पूछा जा सकता है वह है कि शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। तो ये थे तीन क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं कि किस टाइप के हम क्वेश्चंस को अपने एग्जामिनेशन फेस कर सकते हैं। कि राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है, और शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। तो क्वेश्चन वन के लिए जो आंसर होगा कि राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वह भाग है पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में। पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदान की तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। सेकंड क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है। तो वर्षा इसमें टाइप देखें तो शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है चक्रवाती और संवहनीय वर्षा होती है शीतकाल और ग्रीष्मकाल में। थर्ड क्वेश्चन है उत्तर शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। तो इसका उत्तर है पश्चिमी गंगा का मैदान। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गंगा मैदान का तापमान सबसे कम रहता है। तो ये थे मॉडल क्वेश्चंस जो हमने फेस किए
किस टाइप के क्वेश्चंस हमें अपने एग्जामिनेशन में, आपके एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित। बढ़ते हैं क्लास के सेकंड टॉपिक की ओर जो है कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो कृषि जलवायु प्रदेश ने तो देखें तो हम वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो इसका आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश है। इनको अगर नाम से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो पहला है इसमें भावर एवं तराई प्रदेश, भावर एवं तराई प्रदेश, पहला कृषि क्षेत्र है भावर एवं तराई प्रदेश। दूसरा है पश्चिमी मैदान प्रदेश। तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान प्रदेश। फोर्थ है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश में पांचवा जो प्रदेश है वह है मध्य मैदान प्रदेश। सिक्स है बुंदेलखंड प्रदेश। सातवां है उत्तर पूर्वी मैदान प्रदेश। आठवां और नौवां प्रदेश है एक है पूर्वी मैदान प्रदेश। और नाइन है विंध्य प्रदेश। तो ये थे वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश के
नौ कृषि जलवायु प्रदेश, जिसमें पहला है भाबर एवं तराई प्रदेश, पश्चिमी एवं मैदान प्रदेश, दूसरा थर मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, फोर्थ दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान क्षेत्र, फिफ्थ मध्य मैदान क्षेत्र, सिक्स बुंदेलखंड प्रदेश, सेवन इज उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश, एट है पूर्वी मैदानी प्रदेश और नाइन विंध्य प्रदेश। तो ये थे उत्तर प्रदेश की जलवायु की क्लास, जो कि पार्ट वन और पार्ट टू में कंप्लीट हुई है। आई होप कि मैं आपको जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है उसको समझा पाई हूँ और इस टॉपिक के साथ दर्शित कर पाई हूँ। अगर यह आपकी जो क्लास है किसी भी तरीके से आपकी रिवीजन या पढ़ाई में समझने में मदद करती है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, डू योर बेस्ट एंड गेट योर एम। थैंक यू।